राम मंदिर पर फैसले के बाद अब ट्रस्ट को लेकर रार जो है वो शुरू हो गई है। ट्रस्ट पर लेकर रार को लेकर महंतों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये तो सरकार के काम है जी। किसका ऊपर रखेंगे, किसका नीचे रखेंगे, किसका क्या होगा, हम जो मुकदमा दायर किए हैं, चाहे हम मुकदमा तो हमारा दायर है नहीं, हमारा तो हम प्रत्याशी है, डिपेंडेंट आप पुजारी, हमको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है। इसको हटाने वाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम पुजारी हैं, आप पुजारी के व्यवस्था हमारे जिम्मा है, और ट्रस्ट में कौन किसके जगह देते हैं वो समय बताएगा, और किसको हेड रखते हैं, लेकिन न्यास से बना हुआ कोई भी व्यक्ति, बात करते हैं, न्यास में कोई भी व्यक्ति, वह न्यास को रोक दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह न्यास के सदस्य उसमें नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि राम जन्मभूमि के पुजारपना और व्यवस्था हमारे के मिले, कि कोर्ट ने इशारा भी कर दिया है। कोई लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई तो मूर्ख लोग आपस में कर रहे हैं। सुप्रीम ने, कोर्ट ने सारा फैसला दे दिया, केंद्र सरकार को आदेश दे दिया, और केंद्र सरकार है कौन? वास्तव में राम जी के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की संरचना अशोक सिंघल जी अपने जाने के पहले कर चुके हैं, सारी तैयारी पूरी करके तब गए हैं, और उसी आधार पर भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। और यह निश्चित है, जो अभी तक अध्यक्ष थे वही अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष कोई दूसरा नहीं होगा, कोई बदला नहीं जाएगा। मंदिर के ट्रस्ट का प्रारूप भी लगभग लगभग तैयार हो चुका है। नहीं, अब तो आज छठा दिन हो ही गया, 3 महीने का समय दिया गया है, लेकिन सरकार को विचार करके, और इसमें मैं पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को इन्वॉल्व होकर, और इसमें ट्रस्ट में वही लोग रखे जाएं जो लोग राम जी के लिए बलिदान दिया, जिन जिन लोगों ने राम जन्मभूमि उद्धार के लिए और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया, योगदान दिया, चाहे कागज के रूप में, चाहे भगवान के गर्भगृह में मूर्ति पधरवाने को लेकर, और चाहे भोगराग को लेकर, जिन जिन लोगों का योगदान था, जिन जिन लोगों ने मुहिम चलाया, ऐसे लोगों को रखा जाए, ऐसे लोगों को ना रखा जाए जैसे आप अभी तमाम लोग चला रहे थे कि आप रविशंकर को रख लो, रामदेव को रख लो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जिन जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए बलिदान दिया है, सहयोग किया है, ऐसे लोग रखे जाए।